हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग मैं हूँ पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द फिफ्टी लेक्चर ऑफ आर 1000 एमसीक्यू सीरीज एंड आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लाती रहूं नए टॉपिक नए सब्जेक्ट नए पे तो आपको भी मेरे चैनल को सपोर्ट करना होगा 30 मिनट का लेक्चर देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कुछ नॉलेज गेन की है तो इन वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एकदम मत भूलिएगा राइट right? और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपक और एक बात और कि अगर मेरे YouTube पर जो अपलोडेड वीडियोस हैं, उनके अगर नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म देन यू कैन पिंग मी ऑन माई टेलीग्राम आई डी आप मुझे मेरी टेलीग्राम आई डी पे पिंग कर सकते हैं राइट right? तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है डैश डिफाइन्स मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर ये जो डिफिनीशन है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय एंड थ्रू अदर ये डिफिनीशन किसने दी थी ऑप्शंस दिए गए हैं हिग्स ने दी थी मेसी ने दी थी फिओल ने दी थी, थी कि ड्रकर ने दी थी ठीक है तो दिस इज द क्वेश्चन तो ये जो डिफिनीशन है ना दिस इज अ वेरी पॉपुलर डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट की एक बहुत ही पॉपुलर डिफिनीशन है इवन कह लीजिए ये पहली डिफिनिशन है जो इवन मैंने भी पढ़ी थी जब मैंने एम किया था तो जब मैनेजमेंट सब्जेक्ट आया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का तो जो सबसे पहली डिफिनीशन अधिकतर मैक्सिमम बुक में जो सबसे पहली डिफिनिशन है ना वो यही है कि मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन गोल ठीक है ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ठीक है कॉमन गोल को इफिशेंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने के लिए जो uh, जिस आर्ट के थ्रू पीपल से वर्क कराया जाता है ठीक है डन बाय दीपल एंड थ्रो द पीपल ठीक है लोगों के द्वारा और लोगों से जो काम कराया जाता है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इसको मैनेजमेंट कहते हैं तो एक बहुत पॉपुलर डिफिनेशन है एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हिक्स ये हिक्स ने ये डिफिनेशन दी थी ठीक है अधिकतर मैक्सिमम बुक में सबसे पहली डिफिनेशन जो आप मैनेजमेंट की पढ़ेंगे ना वो यही है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल ठीक है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके ठीक तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है डैश डैश हैज़ अथॉरिटी एज द पावर टू टेक डिसीजन विच गाइड द एक्शन ऑफ अदर्स यानी इन चारों साइंटिस्ट में से ये किसने बताया था किसने ये डिफिनीशन दी थी कि अथॉरिटी जो होती है अथॉरिटी इज द पावर अथॉरिटी वो पावर है जिसके थ्रू इट्स अ पावर टू टेक डिसीजन यानी वो पावर जिसके थ्रू डिसीजन ले सकते हैं और गाइड कर सकते हैं एक्शन ऑफ अदर्स ये डिफिनेशन किसने दी थी सिमोन सिमोन uh, ने बर्नार्ड ने टेरी ने या टेलर ने ये किसने डिफिनेशन दी थी ठीक है तो बता देती हूँ दिस डिफिनेशन ऑफ अथॉरिटी इज गिवन बाय सिमोन ये जो डिफिनीशन है ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय सिमोन

तो ये क्वेश्चन भी जरूर करके जाइएगा चलिए अगला क्वेश्चन क्या है डैश पावर इज द एबिलिटी टू पनिश अदर्स फॉर नॉट कैरिंग आउट ऑर्डर यानी इन चारों में से कौन सा पावर ये चारों ही आ, पावर्स हैं। रिवॉर्ड पावर लेजिटिमेट पावर एक्सपर्ट पावर कोरिसिव पावर ठीक है तो ये चार टाइप के पावर है आ, पावर एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा पॉम में ठीक है तो इनमें से कौन सा पावर होता है जिसके थ्रू एबिलिटी मिलती है लीडर को मैनेजर को कि वो पनिश कर सकता है अपने सब को फॉर नॉट कैरिंग आउट द ऑर्डर अगर सब ने जो भी टास्क दिया गया था अगर उसे नहीं कैरी आउट किया है तो उसे पनिशमेंट देने का पावर इनमें से किसके अंडर में आता है ठीक दिस इज द क्वेश्चन तो चलिए मैं चारों ही ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा सबसे पहला क्या है रिवॉर्ड पावर तो रिवॉर्ड पावर क्या होता है रिवॉर्ड पावर जो होता है ये मैनेजर को वो पावर देता है कि जिसमें मैनेजर रिवॉर्ड दे सकता है एम्प्लॉय को रिवॉर्ड पावर देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है रिवॉर्ड मतलब इनाम ठीक है रिवॉर्ड पावर के थ्रू मैनेजर अपने सब को अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे सकता है ठीक है और उसके थ्रू जो एम्प्लॉय है उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो दिस इज रिवॉर्ड पावर और ये जो रिवॉर्ड होता है ना दिस कुड बी टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही हो सकते हैं तो दिस इज रिवॉर्ड पावर अगला क्या है लिजिटिमेट पावर तो लिजिटिमेट पावर क्या होता है दिस इज द पावर मैनेजर डिराइव मैनेजर नहीं uh, कोई भी जो एम्प्लॉय है वो डिराइव करता है फ्रॉम हिज फॉर्मल पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायर ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी में जो एम्प्लॉय की जो पर्टिकुलर पोजीशन है जो पर्टिकुलर फॉर्मल पोजीशन है उसकी वजह से जो पावर आता है ठीक है उसको कहते हैं पावर ठीक है जैसे एग्जाम्पल जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो प्रेसिडेंट है उसको कुछ स्पेशल पावर्स होंगे तो वो जो पावर जो पोजीशन की वजह से आता है ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन होल्ड करता है उसकी वजह से जो पावर आता है ना उसको कहते हैं लिजिटिमेट पावर ठीक अगला क्या है एक्सपोर्ट पावर तो एक्सपोर्ट पावर नाम से ही समझ में आ रहा है जो एक्सपर्टीज के कारण यानी किसी इंडिविजुअल में हाई लेवल ऑफ नॉलेज है हाई लेवल ऑफ कोई एक्सपर्टीज है कोई एक्सेप्शनल स्किल है उसकी वजह से जो पावर आए उसको कहते हैं एक्सपोर्ट पावर ठीक अगला क्या है कोरोसिव पावर कोरोसिव पावर क्या होता है कोरोसिव पावर इज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर ठीक है तो आपने देख लिया इन तीनों में से तो किसी में भी पनिशमेंट की तो बात हुई नहीं यानी ये तीनों तो ऑप्शन नहीं है ठीक है तो वैसे भी अब हमें समझ में आ गया है कि लास्ट जो है, वही ऑप्शन होगा पर मैं आपको बता भी देती हूँ कि कोरिश पावर होता क्या है तो कोरिसे पावर वो एबिलिटी है मैनेजर की जिसके थ्रू मैनेजर फोर्स कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट को एम्प्लॉय को टू फॉलो हिज ऑर्डर कि वो उसका ऑर्डर फॉलो करे और कैसे फोर्स कर सकता है बाई थ्रेटनिंग और बाई पनिशमेंट पनिशमेंट या थ्रेटनिंग के थ्रू फोर्स कर सकता है अगर इम्प्लॉय नहीं उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो तो इस टाइप का जो पावर होता है ना उसको कहते हैं पावर 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 तो में ये मिलता है एम्प्लॉय को कि वो अपने सब को पनिश कर सकता है थ्रेट कर सकता है ठीक है अगर इंप्लॉय उसका ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है तो तो यहाँ पे आपको अब आप समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रिवॉर्ड पावर में जो सुपीरियर है वो अपने सबिनेट को रिवॉर्ड दे सकता है और मोटिवेट कर सकता है ठीक है इन्फ्लुएंस कर सकता है एक्शन लेजिटिमेट पावर यानी वो पावर जो उसकी पोजिशन की वजह से जो पावर आए किसी इंडिविजुअल में एक्सपोर्ट पावर यानी किसी एक्सपर्टीज के कारण कोई स्पेशल स्किल के कारण जो पावर आता है वो एक्सपर्ट पावर और कोरेसिव पावर यानी एबिलिटी टू पनिश सब ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट को पनिश करने का जो पावर मिलता है दैट इज कॉल्ड कोरसिव पावर तो यहाँ पे आंसर क्या है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग दम अथॉरिटी टू डू दैट इज यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू असाइन कर सकते हैं हम वर्क दूसरों को और उसको अथॉरिटी दे सकते हैं उस काम को करने की उसको क्या कहा जाता है क्या उसको कंट्रोलिंग कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग कहा जा सकता है डायरेक्टिंग या डेलीगेटिंग अथॉरिटी क्या कहा जाता है ठीक है जिसके थ्रू हम दूसरे को सब स्पेश सब ऑर्डिनेट को वर्क असाइन कर सकते हैं और उनको अथॉरिटी दे सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है तो देखिए हम ये मैं आपको चारों ही ऑप्शन बता देती हूँ देखिए कंट्रोलिंग क्या है कंट्रोलिंग तो यानी कि जो भी अकम्पलिशमेंट है उसको मेजर करना अगेंस्ट स्टैंडर्ड ठीक है और अगर कोई डेविएशन है तो उसको करेक्ट करना तो दिस इज कंट्रोलिंग यहाँ पे तो ये बात हो ही नहीं रही है तो यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं अगला क्या है ऑर्गेनाइजिंग तो ऑर्गेनाइजिंग तो मैंने बताया था फिजिकल फाइनेंशियल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको साथ में पुट टूगेदर करना ब्रिंग टूगेदर करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके तो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग उन सबको अरेंज करना ऑर्गेनाइज करना ठीक है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है तो ये तो है नहीं अगला क्या है डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग मतलब इन्फ्लुएंस करना गाइड करना मोटिवेट करना सब ऑर्डिनेट को दैट इज डायरेक्टिंग तो ये भी तो है नहीं तो आंसर क्या है डेलीगेटिंग डेलीगेटिंग अथॉरिटी यानी अथॉरिटी डेलीगेट करना दिस इज द आंसर डेलीटिंग अथॉरिटी मतलब द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू अदर्स यानी दूसरों को वर्क असाइन करना और उनको अथॉरिटी डेलीगेट करना उनको अथॉरिटी देना कि अब वो काम कर सकते हैं ठीक है तो इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे लिखा है डेलीगेटिंग अथॉरिटी या इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर राइट चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अंडर डैश लीडरशिप स्टाइल यानी इनमें से किस लीडरशिप स्टाइल में गोल्स आर सेट वर्क रिलेटेडिनेट इनमें से किस लीडरशिप स्टाइल में गोल सेट कर दिया जाता है और जो वर्क रिलेटेड डिसीजन है वो कौन लेता है सब ऑप्शन आपको दिए गए हैं एक्सप्लोयेटिव बेनिवलेंट अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक ठीक है तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपको आ, मतलब पूछा जा रहा है कि वर्क रिलेटेड जो डिसीजन है वो सब ले सके ठीक है गोल सेट कर दिए गए हैं और जो वर्क रिलेटेड डिसीजन है वो सब ले सके तो ऐसी लीडरशिप स्टाइल किसके अंडर में आती है ऐसी लीडरशिप स्टाइल को क्या कहते हैं ठीक है तो मैं आपको चारों ही लीडरशिप स्टाइल बता दे रही हूँ पहला क्या है एक्सप्लॉयटेटिव देखिए नाम है क्या है एक्सप्लॉयटेटिव एक्सप्लोयट Exploit करने से रिलेटेड है तो ये वर्ड किससे बना है एक्सप्लोइट ठीक है तो एक्सप्लॉयटेटिव आपको कुछ समझ में आ रहा होगा एक्सप्लोइेटिव अगर वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है तो एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल है ये एक ये जो एक्सप्लॉयटेटिव है ये एक अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल है ठीक है जिसमें मैनेजर जो होता है इसको कोई कॉन्फिडेंस कोई ट्रस्ट नहीं होता अपने सबऑर्डिनेट पे और यहाँ पे सबऑर्डिनेट को कोई फ्रीडम नहीं होती है

अच्छा इस क्वेश्चन में तो कहा गया है कि सब ऑर्डिनेट जिसमें डिसीजन ले सके ना यानी एक्सप्लोटेटिव तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो सब ऑर्डिनेट को कोई फ्रीडम नहीं मिली है अगला क्या है बेनिवोलेंट 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 ठीक है है तो वैसे ये जो जो वर्ड ना इसका क्या मतलब है इसका मतलब होता है काइंड फ्रेंडली हेल्पफुल टू अदर दैट इज कॉल्ड बेनिवोलेंट ठीक है तो बेनिवोलेंट जो है दिस इज ऑल्सो एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ये एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो मैनेजर होता है उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है अपने सब ऑर्डिनेट और और को मोटिवेट करता है थ्रू थ्रू या पनिशमेंट के और ये थोड़ा सा परमिट करता है अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी जो जूनियर्स है जो सब ऑर्डिनेट है वो अपने सीनियर से जॉब के रिगार्डिंग उन्हें आइडियाज दे सकते हैं ओपिनियन दे सकते हैं अपनी तो दैट तो इज बेनिवोलेंट लीडरशिप स्टाइल ठीक है तो यहाँ पे तो फुल uh, मांगा गया ना कि वर्क रिलेटेड डिसीजन आर टेकन बाय सबऑर्डिनेट यहां पे सबऑर्डिनेट लेते हैं लेकिन बिनीवोलेंट में तो थोड़ी लीनियंस दी गई है तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा अगला क्या है अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल ये बेसिकली अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल बेसिकली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है जिसमें ये वो मैनेजमेंट स्टाइल है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है uh, जो लीडर होता है उसी के पास पूरा डिसीजन मेकिंग पावर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है अपने सबऑर्डिनेट पे ठीक है और सबऑर्डिनेट को कोई फ्रीडम नहीं होती है कोई डिसीजन नहीं ले सकता तो इसको कहते हैं अथॉरिटेरियन या जिसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन में कहा गया है ना जिसमें सबऑर्डिनेट डिसीजन ले अगला क्या है डेमोक्रेटिक यानी आंसर डेमो ये तीनों है नहीं तो आंसर यानी डेमोक्रेटिक ही होना है पर मैं आपको बता भी दे रही हूँ डेमोक्रेटिक क्या होता है डेमोक्रेटिक में क्या होता है मैनेजर हैज कंप्लीट कॉन्फिडेंस मैनेजर को कंप्लीट कॉन्फिडेंस होता है ट्रस्ट होता है अपने सब पे और वो अलाउ करता है कि वो डायरेक्ट कर मतलब वो पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें जो सबॉर्डिनेट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ठीक है और उसी की बात इस क्वेश्चन में हो रही है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ठीक है वैसे लास्ट वीडियो में मैंने जो तीन मेन लीडरशिप स्टाइल है उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है तो एक बार आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ना अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैट्स इकोनॉमिक्स एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास इलेवन क्लास ट्वेल्व इन सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है जिसको मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है ठीक है तो बस इन वीडियोस का फायदा उठाइए ठीक है थीके? जो इतना मैंने वीडियो कंटेंट लेक्चर जो अपने चैनल पे डाले हैं तो जरूर इनका फायदा उठाइए खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए और इस लेक्चर के बाद एक बार जरूर मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस भी टॉपिक को आप सर्च कर रहे होंगे पढ़ने के लिए वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी न मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक को भी कवर कर लू ठीक है तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन क्या है डैश प्रोफाउंडेड द नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इनमें से किसने नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया है व्रूम ने पोटर ने मैसलो ने की मैग्रिगर ने इनमें से किसने दिया है नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तो वैसे दिस वन इज एन इजी क्वेश्चन ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपने जब मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी होगी तो अधिकतर बुक में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है दैट इज नीड थ्योरी पे उसी की बात हो रही है Maslow की नीड थ्योरी अधिकतर बुक में सबसे पहली जो मोटिवेशन की थ्योरी है वो यही है मैसलो नीड हर की थ्योरी ठीक है उस थ्योरी में क्या बताया गया है उस थ्योरी में जितनी भी नीड्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की उसको पांच लेवल्स में डिवाइड किया गया है ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर आप में देखा होगा स्ट्रक्चर इसमें जितने भी नीड्स है, है।, है? है दूसरे लेवल पे है सेफ्टी नीड्स तीसरे लेवल पे क्या है सोशल नीड्स यानी फ्रेंडशिप फैमिली लव ठीक है नेक्स्ट लेवल पे क्या है सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस अगले लेवल पे क्या है सबसे ऊपर के लेवल पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो अगर किसी इंडिविजुअल की लोअर लेवल की नीड फुलफिल हो जाती है देन दैट इंडिविजुअल मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल वो इंडिविजुअल अगले लेवल पे मूव करता है ठीक है अपने हायर लेवल की नीड को फुलफिल करने के लिए ऊपर बढ़ता है ठीक है सबसे पहले क्या है रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स ठीक है फूड वाटर शेल्टर क्लोथ ये सबसे बेसिक नीड है उसके बाद सेफ्टी ठीक है उसके बाद सॉरी uh, उसके बाद हाँ सेफ्टी देन सोशल नीड तो यही बताया गया है मास्लो की नीड हायर की थ्योरी में ठीक है कि नीड जो है हायरिकल ऑर्डर में अरेंज होती है ठीक है और किसी भी इंडिविजुअल की जब लोअर लेवल की नीड फुलफिल हो जाती है तो वो अगले लेवल पे मूव करता है तो ये किसने दी थी ये मास्लो ने दी थी ठीक है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और ये जो ब्रूम थे इन्होंने कौन सी दी थी याद करिए कौन सी दी थी व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी और ये जो मैक है इन्होंने कौन सी दी थी इन्होंने दी थी थ्योरी एक्स थ्योरी वाई ठीक है तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज आल्सो नोन एज ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है इसको और क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है अथॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक फ्री रेन या पार्टिसिपेटिव इसको क्या कहा जाता है तो ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है इसको कहा जाता है अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल ये अभी लास्ट पिछला जो अभी 56 क्वेश्चन हमने किया है है उसमें मैंने डिस्कस किया था ये जो ये जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल इसका एक दूसरा नाम भी है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ठीक है लास्ट वीडियो में हमने अभी डिस्कस किया है और लास्ट वीडियो में भी मैंने इवन जो तीन मेन लीडरशिप स्टाइल होती है उनको डिटेल में डिस्कस किया था कौन तीन मेन लीडरशिप स्टाइल है बताइए कौन सी तीन मेन है एक है डेमोक्रेटिक एक है अथॉरिटेरियन और एक है फ्री रेन ठीक है यही तीन मेन लीडरशिप स्टाइल होती है ठीक है तो मेरे ख्याल से अब आपको मिल गया है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है डिसीजन मेकिंग की लीनियर प्रोग्रामिंग गेम थ्योरी एम बी ओ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव या सिमुलेशन

डिसीजन मेकिंग के लिए जो मेथड्स आप यूज़ करते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया है एक क्वांटिटेटिव आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में आता है जैसे हुआ डिसीजन ट्री ठीक है क्वांटिटेटिव मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग क्वांटिटेटिव मेथड है ठीक है थ्योरी ये क्वांटिटेटिव मेथड है गेम थ्योरी ये क्वांटिटेटिव मेथड है सिमुलेशन ये क्वांटिटेटिव मेथड है ठीक तो है, है, है तो ये कुछ क्वांटिटेटिव मेथड है क्योंकि हम यहाँ पे नंबर से डील करते हैं क्वांटिटी नंबर से डील करते हैं तो ये सब क्वांटिटेटिव मेथड है नॉन क्वांटिटेटिव मेथड जैसे इंट्यूशन हुआ फैक्ट हुआ एक्सपीरियंस हुआ ठीक है एम बी ओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हुआ कंसीडर्ड ऑप्शन हुआ ठीक है तो ये क्या है नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स ठीक तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा क्वांटिटेटिव uh, टेक्निक नहीं है यानी नॉन क्वांटिटेटिव मेथड आपको बेसिकली बताना है तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो क्वांटिटेटिव है गेम थ्योरी क्वांटिटेटिव है सिमुलेशन क्वांटिटेटिव है तो नॉन क्वांटिटेटिव कौन सा है ऑप्शन सी एमवीओ इज अ नॉन मेथड ठीक चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डिसीजन मेकिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी बेस्ड ऑन जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए एक्सपेक्टेड टू बी बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉम्पिटिटर की पॉलिसी पे डिपेंड रहना चाहिए नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड होना चाहिए डिसीजन मेकिंग नहीं वर्कर की एक्टिविटी पे डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए बेस्ड नहीं डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होनी चाहिए ऑन बेसिस ऑफ रेशनल थिंकिंग ठीक है ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन ले वो किस बेसिस पे ले

दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जितने भी क्वेश्चन किए में आ गए होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर कोई फीडबैक हो ठीक है तो वो भी मुझे बताइएगा ठीक है आपके एक एक कमेंट एक एक like, लाइक मेरे लिए बहुत important है मैं वेट करती हूँ आप लोग के कमेंट्स का आप लोग के लाइक like का तो जरूर मुझे मोटिवेट करते रहा करिए ठीक uh, है और टच में रहिए कमेंट करते रहिए ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू